अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान बट हियर फ्रॉम ग्लोब स्टेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूडा को, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक नया शहर आबाद होने जा रहा है रूडा के नाम से लाहौर शहर के सराउंडिंग्स में। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी कब क्याम में आई और इसका क्या मकसद है इसका बनाने का। जुलाई 2020 में रूडा का क्याम हुआ और एक ये इसकी स्पेसिफिकली नीड जो थी लाहौर शहर की, जिस तरह आपको पता है सराउंडिंग अब जो है लिमिट जो है पूरी हो चुकी हुई है, इसमें सराउंडिंग्स में अब जो है आबादी शिफ्ट होने जा रही है। जिस तरह की आप बहुत सी सोसाइटीज देख रहे हैं जो लॉन्च हुई हैं रिसेंट टाइम में, मेन जी रोड पे या लाहौर के रेवन वैली साइड पे, इसी तरह अब लाहौर के सेंट्रल लोकेशन से करीब तरीन एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है रूडा के नाम से। टोटल ऑफ इसका जो एरिया है जो 46 किलोमीटर 8 लाख कनाल पे ये जो है इसका जो है रकबा मुहित है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो लोकेशन है, बड़ी प्राइम लोकेशन इसकी जो है चूज की गई है, रावी के सराउंडिंग्स में जो है ये शहर आबाद होगा, दोनों तरफ अतराफ में ये रावी के शहर जो आबाद होने जा रहा है। और लाहौर चॉइस जो कि सेंट्रल लाहौर से बिल्कुल करीब तरीन जो कि रावी रिवर मौजूद है वहाँ से भी, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन लोकेशन जो है रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इन फ्यूचर ये साबित होने जा रही है। रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी अपने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया चाबहार के नाम से, जिसपे भी काम तेजी से जारी है और बाकी भी डेवलपमेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है और गवर्नमेंट खुद इस जो है इसको लीड कर रही है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस प्रोजेक्ट को है जो डेवलप किया जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी लाए जाएंगे ताकि इस शहर को आबाद किया जाए। और एक बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट जो है ये होने जा रहा है और एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ये जो है प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें आपको जो है हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें एजुकेशन जोन, इंटरटेनमेंट जोन और स्पोर्ट्स की यहाँ पर तमाम चीजें यहाँ पर जो है वो एरिनाज बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो लाहौर को ग्रीन जो है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करना है। बेसिकली लाहौर का जो रिसेंट टाइम्स में जो प्रॉब्लम रहा है वो यहाँ पर ग्रीनरी जो है ख़त्म होती जा रही है और पॉल्यूशन का जो है आप देखते हैं सर्दियों में यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो हमें एक स्मोक का जो है एक प्रॉब्लम लाहौर में देखने को मिलता है, तो उसको कैटर करने के लिए यहाँ पर जो इसका ग्रीन एरिया है उसमें इजाफा किया जा रहा है। बेसिकली लाहौर का जो अगर हम ग्रीन एरिया देखें तो 2-3% यहाँ पर लाहौर में आपको ग्रीन एरिया देखने को मिलता है ऑल ओवर लाहौर, जबकि रूडा में जो है स्पेसिफिकली इस पे गौर करके यहाँ पर आपको 25-26% जो है इसका ग्रीन लाइन एरिया जो है रखा जा रहा है ताकि लाहौर को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है इन फ्यूचर बनाया जा सके। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट लाहौर से करीब तरीन होने की लोकेशन की वजह से अपनी एक खास अहमियत रखता है और लोगों का रुझान फ्यूचर में जो है इस तरफ शिफ्ट होगा और इसमें बहुत सारे डिवेलपर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस रूडा को जो है वो डिवेलप करेंगे और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जिस तरह के मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इसको डिवेलप किया जाएगा, तो इसमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और इसमें आप ग्लोब स्टेट के थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और जो है इसमें फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके हवाले से गाइडेंस के लिए ग्लोब स्टेट आपके लिए यहाँ पर हाजिर है, पूरी टीम हाजिर है। आपको गिवन नंबर्स भी शो हो रहे होंगे, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारे ग्लोब स्टेट के ऑफिस को जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद हैं उनको विजिट कर सकते हैं। फर्दर रूडा के हवाले से अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।